सपना है लेकिन हो जाए तो क्या बोले। सत श्री अकाल से आप, सत श्री अकाल, मैंने आपसे कहा जी, जी मैं खड़ा करता हूं आपको, 10 सेकंड आपके, मैं आ रहा हूं मैम, आपको सर वेलकम टू यू, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके, उसके बाद फिर जनता के पास सारा। हाँ जनाब ने कहा जी मुगल आए तो पता नहीं कुछ दे के चले गए, अंग्रेज आए तो कुछ दे, उन्होंने भी कुछ दिया जी। तो जब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी तो 15-15 लाख देने का वो क्या था, क्या था? अभी अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कह रहे हैं जी हम इनसे 5 गुना देंगे। अरे उनको जाके समझा लो ना, पहली बार कोई आपके टैक्स का पैसा ईमानदारी से आपको वापस कर रहा है, पहली बार कोई काम के दम पे रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर, रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर आपसे वोट मांग रहा है। अपने कामों को, अपने वादों को जुमला नहीं कह रहे, जो वादे पिछले चुनाव में किए थे वो सारे पूरे करके तब आया रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर। वेरी गुड, 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं, राजीव जी आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं और उसके बाद मेरा सवाल शुरू होगा जब आफ्टर बाबा साहब जी। जी मेरे भाई ने अभी जुमलों की बात करी, मैं तो तिलक नगर की बात करना चाहता हूं। ये भाई साहब ने संजय सिंह के साथ मिलके 28 जुलाई 18 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था, डूसीप की लैंड पे उद्घाटन किया था। और सुनो, और ये उसके हालात हैं, ये उसके हालात हैं। अब आपको एक सच बताता हूं, डूसीप, सुनो सुनो भैया, भैया पढ़े लिखे लोग हैं, सुनो, मैंने सांसद के साथ मिलके उस लैंड को कहा डीडीए में ट्रांसफर करो क्योंकि डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो भाई साहब ने उद्घाटन कर दिया, फाइल पे डूसीप ने लिख दिया डूसीप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। इससे बड़ा धोखा आप तिलक नगर को क्या दोगे? 2 साल से वहां पड़ा हुआ है, आप जुमलों की बात करते हो जी। मैं आता हूं, वांट टू क्लियर। हाँ, सारी बातों का प्रमाण के साथ जवाब देना बहुत जरूरी है। अरे सर आप फोटो है, मैं जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं यह फोटो झूठी है, अगर ये झूठी है, अगर ये झूठी है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर ये झूठी ना हो तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। आया 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 बाबा साहब अभी तीसरा अफकोर्स राजीव, थैंक यू सो मच। अभी बाबा साहब बाकी है, बाबा साहब को भी सुनना चाहिए फॉर 10 सेकेंड। बाबा साहब 10 सेकेंड आर वेरी लेस, मैं आपको 13 दे देता हूं, इनको 10-10 दिया आपको 13, 3 सेकेंड ज्यादा जी। हाँ जी, हाँ मैं आ गया हुजूर जी। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री साहब की मन की बात के साथ आपने जन की बात भी लगाई, इसके लिए मैं चाहूंगा सारी जनता तालियां बजाए क्योंकि वो केवल मन की बात करते हैं। रहा सवाल बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, झूठ बोलने में और जुमलों में पीएचडी बीजेपी ने की हुई है और सेल्फ स्टाइल्ड ग्लोरीफाइड करने में और अपने समर्थकों को यहां पर ला के गुट्टी पिलाने में, उसके अंदर आप पार्टी ने पीएचडी की हुई है। अगर इनके पांच साल के कामों को देखा जाए तो इन्होंने ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में, ना पोल्यूशन में कोई काम नहीं किया। जनाबे आला, जिनका 40% बजट एग्जॉस्ट हो जाए हेल्थ में और एजुकेशन में, वो बात करता है, ग्लोरीफाई करता है कि हमने एजुकेशन में और हेल्थ में काम किया, एक हॉस्पिटल नया नहीं खोला, हमारे बनाए हुए हॉस्पिटल्स को ही इन्होंने थोड़ा सा चमकाने की कोशिश की। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीला दीक्षित जी ने बनाया, आज जनता त्राही त्राही कर रही है कि वहां पर जो कैंसर के पेशेंट जाते हैं, मैं उन लोगों को यहां बुला के आपको मिलवा सकता हूं और रूबरू करा सकता हूं कि उनको कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 लाख बच्चे वर पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल्स, 99% 10th का जो था कांग्रेस के जमाने में 2013 पासिंग परसेंटेज, दैट हैज कम डाउन टू 68%। पॉल्यूशन के नाम पे शीला दीक्षित जी, जिन्होंने ग्रीन सिटी, आप सबको मालूम होगा वर्ल्ड के अंदर के 22% ग्रीन कवर बढ़ गया था, आज वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई है। ये अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाइड करते हैं। 8 तारीख को इन दोनों पार्टियों को जवाब मिलेगा, इनकी नूरा कुश्ती का भी जवाब मिलेगा। क्या बात है, मैंने कहा था 13 सेकंड, मैं भी थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया हूं,
मैंने बीच में रोका नहीं, बाबा साहब बोल रहे थे, मैंने कहा बोलने दो, हाँ बोल रहे थे बोलने दो, बैठे बैठे बैठे, मैंने कहा क्या बीच में रोकना, बोल रहे तो बोलने दो, तेरा की जगह 20-22-25 सेकंड बोल गया, कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, अब मैं आता हूं।